सामने बोर्ड का सामान पड़ा हुआ है, ये सारा बोर्ड वैसे प्राइस है 2.5 लाख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी आज मैं जाने वाला हूँ ट्रैक्टर मार्केट सरगोधा। वहाँ पे आपको पता है कि जितने पाकिस्तान के ट्रैक्टर होते हैं जो ख़राब हुए होते हैं, इस्तेमाल में नहीं होते, वो इधर आन के सेल होते हैं, और बाहर से भी काफ़ी जो माल है इधर आन के इम्पोर्ट होता है, तो वो सारा इस मार्केट में आता है। तो लोग कहते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मुझे दरअसल पर्सनली इसलिए जाना हो रहा है कि मैंने लेना है मैसी का 135, जो मैसी 135 आता होता था उसका ट्रैक्टर का इंजन लेना है, और उसमें जो HP आते हैं वो 45 HP का आता है, और जो जो 540 RPM पे ये प्रोड्यूस करता है तकरीबन 35 हॉर्स पावर। तो ये हमें अपने एक पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना है। तो मैंने कहा सर आपको भी ले जाऊँ, आपको लेके जाऊँगा, मार्केट की विजिट कराऊँगा, और साथ में बाकी जो फोर्ड का मैसी अपना रूसी इन सारों के स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। तो एक रफ सा इंट्रोडक्शन मार्केट का हो जाएगा, और जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ है 135 मैसी का उसका इंजन वो भी पता करना, और उसकी प्राइस क्या वो भी जाके देखते हैं। लेट्स गो टू मार्केट। ट्रैक्टर मार्केट आ गई है, यहाँ के सामने बोर्ड का सामान पड़ा हुआ है, ये सारे बोर्ड के इंजन, बोर्ड का फ्रंट एक्सल जड़े सारे बनाते, ये व्हील वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, कार मैसी 135 इंजन है। जी की प्राइस है जी? जेन्युइन टोटल खुलिया तो नहीं, आवाज क्रैंक दी, बिगना दी, वाला दी। ए 45 HP हो रहा ना, हाँ जी
इधर जाना है इधर यूट्यूबर स्टार्टिंग वारंटी प्राइस की है 1,90,000 बड़ा दूर जाना है वैसे तो हूं तो मेरा से आंदा ही 135 ना 240 आ रहा है तो काफी मैसेज चार किस्मा में आ रहे हैं पहले आंदा हूं 1980 से बंद हो गया ਇਹ ਮੈਂ 1974 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1963 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 35X ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਐਕਸ 35 ਫਿਰ ਆਇਆ 35X ਫਿਰ ਆਇਆ 135 ਫਿਰ 80 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਐਕਸ 35 ਆਇਆ ਨਾ 63 ਇਹ 45 ਦਾ ਹੈ ਨਾ 45 ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ मिल जाने की लोड़ नहीं देख हो गया हां चला जाएगा भाई तुसी वेख के वीडियो बना लेना चलो फिर ए 240 है 1993 मॉडल है अच्छा ए 1993 मॉडल है ते इसकी प्राइस की ये प्राइस है 1,85,000 185 का कंडीशन तो सामने है कैसी कंडीशन है साफ सुथरी है माशाल्लाह ते आवाज वगैरह बिगना दी तेल शेल कोई फ्रेश फ्रेश गारंटी है ना बेहतरीन बेहतरीन स्टार्ट करके चेक करा के सलाफ मार के फिर जाए खोल के चेक करा के दे इधर अपनी तसली करो जी मैं दिल करे अभी थोड़ा हाथ में लोग मैं जी मैं थोड़ा दिल करे ये तो लावा दूसरा कोई पिया हो 240 ये लेटेस्ट मॉडल है ये वाला ये 2000 मॉडल है 2000 मॉडल है ठीक है ये देखिए प्राइस है ये मिलेगा तो 2,70,000 वो 185 दसया है 185 वो 92 मॉडल है ਮਾਡਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਚ ਪੀ ਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਹੈ 48 ਐਚ ਪੀ ਤੇ 55 ਐਚ ਪੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ 48 ਐਚ ਪੀ ਦਾ ਤੇ 55 ਐਚ ਪੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 240 240 ਐਚ ਪੀ 40 ਮੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਆ ਰਿਹਾ 45 to 48 ਐਚ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ 200 ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਫੀਡ ਉਹ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਫੀਡ 48 ਹੁੰਦਾ ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਫੀਡ 480 ਫੋਰਡ 3600 ਫੀਡ ਦੇ 480 ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਉਹ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਸਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਰੇਟ ਬਦਲਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਇੰਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਇੰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈ ਇੰਪੋਰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਇੰਜਨ ਇੱਕ ਹੈ 240 ਹੈ और 1,84,000 डिमांड है इसकी और ये है तो ये भी 240 है ये 55 पावर का 2000 मॉडल और इसकी प्राइस है जी 2,70,000 ठीक है।
ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ एक सौ पैंतीस मैसी का पड़ा हुआ इंजन थोड़ा रफ कंडीशन है वाला क्या भाई भैया जी फील्ड का 480 ये भी 48 हॉर्स पावर है अच्छा ये इसकी प्राइस बताइए उन्होंने 1,75,000 रुपये स्टैंडर्ड है गया सारा कुछ है नट शट टॉप में सब कुछ स्टैंडर्ड है गया बाद में चलावेंगे पता चलेगा की हिसाब किताब है दो दुकाना अस्सलाम वालेकुम मैसी 135 पे अंकल जी इंजन मैसी 135 इंजन इंजन ही पर गोदाम है जैसे गोदाम सामने गोदाम लाओ सामने ही देखो इंजन बड़ा बना अच्छा ठीक अस्सलाम वालेकुम मैसी दा 135 दा इंजन नहीं पड़ा वो उसके अलावा 400 से फ्यूल 240 अपने यूज के लिए लेने हैं एक मिनट यार सारी थोड़ा ये तो इस बारे दसो ये मिलेगा भाई इसी तरह मैं क्या आप ही करो जो करना उस जगह अच्छा ये मुझे बता देना इसकी क्या प्राइस है ये आपको मिलेगा 3,00,000 3,00,000 का इसकी स्टैंडर्ड है सारा कुछ स्टैंडर्ड की क्रैंक है स्टैंडर्ड का भी लाग है इसका ठीक है जी स्टैंडर्ड हेड है ठीक है और 3,00,000 का हो गया वारंटी शंटी जेन्युइन इटली वाली वारंटी इटली वाला इंजन इटली का इंजन इटली का इंजन मेड इन इटली रेट ज़्यादा नहीं चीज़ सही है स्टैंडर्ड का ही और वो वाला वो भी यही रेट है इटली का दोनों इटली के इंजन बड़े साफ सुथरे नहीं है तो कोई फ्यूल कंजम्पशन का पता कोई है ना कि ना किंडर चुका खाना नहीं इसका कोई आइडिया इससे अच्छा वो है ना वैसे तो रिसर्च के मुताबिक जो मैंने अपना वर्क किया है उसके हिसाब से 135 जो मैसी का ना उसकी फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी कम है इस, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा है ना इसकी 480 की पावर ज़्यादा ये 48 हॉर्स पावर है ना नहीं 48-60 होते हैं मेरे 60 HP 60 HP जो है ना वो तकरीबन वो 45-60 हॉर्स पावर का हाँ 135 उसकी पावर कम है इसकी पावर ज़्यादा ठीक हो जी आपका नाम अली अली भाई आपका शुक्रिया बाकी यार हमें तो जो इंजन चाहिए वो 135 साल कोई मैसी का चाहिए ठीक है तो बाकी अगर ये भी रुपये समझ में आए तो इंशाल्लाह ठीक है तो अगर आपसे रब्ता करना चाहे तो फिर कर लेगा वीडियो देख के ठीक है कार्ड नंबर दे दें मैं आपको फिर कोई आपसे रब्ता खुद ही कर लें सर ये 230 है ये 240 का न्यू मॉडल है और इसकी प्राइस 230,000 रुपये है ये 240 का 48 हॉर्स पावर इंजन और इसकी प्राइस हमें मिली है 1,55,000 आज के रेट आगे पता नहीं क्या होगा तो ये सारा स्टैंडर्ड है ना वारंटी क्या होगी इसकी मतलब चेक वारंटी या फिर कोई 7-8 दिन की वारंटी मिलेगी चेक वारंटी है कि 7-8 दिन की है ऐसे मौके की गारंटी है चलें ठीक है
135 ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆਂਦੇ 64 ਮਾਡਲ 1963 ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 64 ਮਾਡਲ ਇਹ 64 ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਪੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੋਂ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਪਿਆ ਹੁਣੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਕਲ ਗੇਅਰ 40 ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ90,000 ਚੈਂਬਰ ਜੇ ਕਰੰਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ 10 ਦੀ 10 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ 20 ਦੀ 20 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 240 ਵਾਲਾ ਤਿੰਨੇ 240 ਦੇ ਨੇ ਦੋ 240 ਦਾ 135 ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ 64 ਮਾਡਲ ਨਾ 85 ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਵਾ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੁਸਲਾ ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਰਾਰੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਬਦਲ ਖਾਲੀ ਬਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਵੋ ਉਹ ਕਲਚ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਡੀ ਸਮੇਤ ਨਾ 20,000 ਦਾ ਬਾਡੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਹਲਕੀ ਵੀ ਪਾ ਲਓ 200 IMT ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ 25,000 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 25,000 ਅਤੇ 90,000 ਇੱਕ 15 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਚ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਪਿਆ ਇਹ 480 ਦਾ 480 ਦਾ 48 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 48 ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਫੋਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫੀਡ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫੀਡ ਹੈ ਤੇ 450 ਸ਼ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ 480 ਚ ਹੁੰਦਾ ਫੀਡ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਚ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ 74-73 ਮਾਡਲ 74-80 ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੀਡ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਡ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈ ਟਾਇਰ ਉਹ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਸੀ ਹੈ ਫੀਡ ਕਿ 680 640 640 ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ 2,25,000-2,25,000 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ
की कीमत है जी थी? ये जो 1979 मॉडल है, 125,000 में इसका रेट मिला है। और बाकी देखते हैं, लेट्स गो चेक करते हैं। चला जाके मैं बिना नहीं चलिए। दोस्तों आपको वीडियो देख के मज़ा ज़रूर आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।